मेरे हाथ में महाराष्ट्र की सत्ता दो, मैं आपकी सभी अपेक्षा और मांग पूरी करूंगा, राज ठाकरे ने जनता से की अपील। मुंबई की सड़कों पर कचरा फेंकने, थूकने और पेशाब करने वालों पर क्लीनअप मार्शल्स की बड़ी कार्रवाई, 53,000 लोगों से 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। बलात्कार जैसा पाप करने वालों में डर पैदा करना बहुत जरूरी, पीएम मोदी की लाल किले से हुंकार, साथ ही कहा देश में कम्युनल नहीं सेक्युलर सिविल कोड चाहिए, समान नागरिक कानून लागू करने के संकेत। देश भर में आज धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, पीएम मोदी ने रिकॉर्ड 11वीं बार लाल किले पर फहराया तिरंगा, मुंबई और महाराष्ट्र में भी जगह जगह हुआ ध्वजारोहण। मुंबई में लोकप्रिय हो रहा है पहली बात मोबाइल ऐप, अब तक सैकड़ों लोगों की समस्या का हुआ समाधान। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई वारदात का मुंबई में असर, 5 प्रमुख सरकारी अस्पतालों में 2574 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। झंडा ऐसा बांधा कि रस्सी खींचने से खुला ही नहीं, मुख्यमंत्री 30 सेकंड तक करते रहे मशक्कत, वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव से पहले चमकेंगी सड़कें, गणपति बप्पा के भक्तों के सीएम शिंदे ने किया टोल फ्री। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का खुला ऑफर, एमबीए को गठबंधन करने का दिया प्रस्ताव, कहा इंडिया गठबंधन हमारे साथ चुनाव लड़े या बाद में पछताए। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार बरामती से नहीं लड़ेंगे चुनाव, बेटे को दे सकते हैं टिकट। मुंबई में दहिसर से मेट्रो 9 का विस्तार भाईंदर पश्चिम तक होगा, पहला चरण दिसंबर 2024 तक और दूसरा चरण दिसंबर 2025 तक होगा पूरा। महाराष्ट्र कांग्रेस की महायुति सरकार को भ्रष्टाचार पर घेरने की तैयारी, पार्टी ने मुंबई में शक्ति प्रदर्शन से पहले लॉन्च की पे कमीशन कैंपेन, क्यूआर कोड जारी करके लगाया 50% कमीशन सरकार का आरोप। पुलिस की वैन पर चढ़कर शराबी ने किया हंगामा, अंधेरी का वीडियो आया सामने। एकनाथ शिंदे से मिले क्रॉस वोटिंग वाले दो विधायक, हरी राम खोसकर और जितेश अंतारपुरकर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मची भगदड़। महाराष्ट्र के 44 लाख से अधिक स्कूली बच्चों को नहीं मिली स्कूल ड्रेस, शिंदे सरकार की एक राज्य एक यूनिफॉर्म योजना फेल। मुंबई पुणे ट्रेन यात्रा का समय 20 से 30 मिनट होगा कम, दोनों शहर के बीच मुंबई और पुणे को जोड़ने के लिए कर्जत से तालेगांव और कर्जत से कामशेत तक दो नए मार्ग बनाने का प्रस्ताव। थाने पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का किया भंडाफोड़, नेपाल भेजा जाता था चोरी का फूल। बिना कारण ही हिंदुओं को झेलनी पड़ रही है गर्मी, स्वतंत्रता दिवस के दिन बांग्लादेश पर बोले मोहन भागवत। थाने में महायुति की महा बैठक, विधानसभा चुनाव पर हुआ मंथन। समुद्र के अंदर से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, अरब सागर के अंदर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की तैयारी हुई पूरी। बस चालक ने ब्रेक फेल होने के बाद बस को डिवाइडर पर चढ़ाकर यात्रियों की बचाई जान, तारदेव के क्रांति मैदान का वीडियो आया सामने। अहमदाबाद से मुंबई जा रही थी डबल डेकर एक्सप्रेस, दो हिस्सों में बटी, टला बड़ा हादसा। बारिश के बाद मुंबई में बढ़ा बीमारियों का खतरा, मलेरिया डेंगू के बढ़ रहे हैं मामले।